मेरा बहुत तो चेक करो पीछे मेरे पीछे मैंने एक चीज नोट की तो शेरनी है ठीक है वो आपके ऊपर क्यों ज्यादा वो पसंद करती है आपको औरत जात औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया गुल्ली का शेर आया यार बस बस सिट डाउन बैठ दैट वाज वो तो गया MYK News की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन MYK News TV के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और ये आ गया शेर का पार्ट टू। आज मैं ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि 30 से 35 बब्बर शेर मौजूद हैं। आप लोग हमेशा कमेंट्स में कहते हो ना कि लड़की को आगे कर देते हैं लड़की को आगे कर देते, तो आज मैं अपना एक मुहाफिज भी लेके आई हूँ मैं साथ अपने वो हमेशा की तरह पिछली दफा की तरह काम पे टांग रही हैं और मेरे साथ मुहाफिज भी मेरे मौजूद हैं। कुछ भी अगर मुझे होता है तो मुझे बचाएंगे। आइए पहले जो शेर मैं आ गया हूँ। नहीं अच्छा मैं वो कांप इसकी वजह से नहीं रहूंगा ठंड लग रही है बातों से ऐसे नहीं लग रहा कि आप ठंड की वजह से कांप रहे हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं है मसला आगे जाए शेख साहब मुझे बचाने के लिए आए हैं और खुद मुझे आगे किए जा रहे हैं। नहीं देख रहे हैं ना इसलिए MYK कैसा माफिस नहीं 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 मैं वो वैसे ही देखने आया था वो आपको लग रहा है कि मैं बचाऊंगा नहीं आपको गलत लग रहा है। मुझे बताएं आपको ना सुकून नहीं मिला एक दफा आपके साथ ये वाकया हो गया हुआ शेख साहब इतने ज्यादा कमेंट थे कि पार्ट टू करे तो मैंने कहा कि अब छोटी छोटी शेरनियों के साथ तो पार्ट टू करना नहीं है अगर करना है तो बब्बर शेर के साथ करना। वो लोग इसलिए कहते हैं पार्ट टू करे क्योंकि वो चाह रहे थे कि बाद में अगले जो पार्ट है ना उसके अंदर वो ऐसा हो कि बाद में अगला जो पार्ट है उसकी जरूरत ना पड़े इसलिए कहते हैं। यानी कि आप मुझे अल्लाह के पास भेजना चाहते थे कि ना डोला हो इतना रोला हो तारा सो जा लाल पलंग पे सो जा अम्मी अबू आएंगे कब लाएंगे मुझे नहीं पता। तुम्हारा नाम किसने रखा था मैं इसको प्यार कर सकता हूँ सुबह शाम दिन रात तो कर रही हूँ। नहीं नहीं मैं घर नहीं लेकर जा रहा मैं तुम्हारा प्रिंस चार्ल्स। आपको क्या लगता है इसका वजन कितना होगा? वजन इसका होगा और ख्वातीन से इसका वजन नहीं पूछना एज अपना वजन वो माइंड कर जाएगी। वो देखो नहीं नहीं वो देखो मैं उसको प्यार कर रहा हूँ ठीक है ये देखो ना कितनी ये टीम अच्छी टीम हुई हुई है। देखो थोड़ा सा और आगे होके बैठ के देखिए फिर पता चलेगा। वो देखो 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 डर नहीं रही वो देखो डर नहीं रही आप बड़े डर रही आंखों पे फोकस कीजिए तो कैसे फाड़े जा रहे हैं। फैजी वाइल्ड लाइफ प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म पे मैं मौजूद हूँ तो आइए जो उनके ओनर है उनसे बात करते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि कितने हैं टोटल आपके पास शेर शेरनिया बब्बर शेर टाइगर चीता पता नहीं क्या क्या उनको खिलाते क्या है लेकिन मुझे लग रहा है आप खुद भी काफी खाते होंगे तो शेरों को भी काफी खिलाते होंगे क्या खिलाते हैं? नहीं ये माशाल्लाह चिकन भी बीफ भी ये सब कुछ खाते हैं। मुझे लगता है शेख साहब आज मुझे ना शेर के मुंह के अंदर भेज के रहेंगे। नहीं नहीं मुझे मुझे पता ही नहीं आप वो सब्जियां या फ्रेश फूड या फिर जो सेहतमंद खाना वो नहीं खिलाते शेख साहब ये ना बस ज्यादा इनका कॉन्सेंट्रेट होता है जो शेख है ना उनसे ये प्यार करते हैं वो अगर सब्जी लें किसी टाइम तो ये खा लेते हैं नहीं तो वैसे कभी किसका दिल करे पिज्जा या बर्गर खाने का फिर क्या करते हैं ला के आप ट्राई करवा सकते हैं किसी टाइम मैंने एक चीज नोट की तो शेरनी है ठीक है वो आपके ऊपर क्यों ज्यादा वो पसंद करती है आपको औरत जात औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर। आपके पास चीते भी हैं काफी मैं देख रही थी बड़े प्यारे प्यारे तो इनको घर में रखना पहले तो ये बताया कि आसान है क्या घर में रख के इनको टेम किया जा सकता है?
जी जी किया जा सकता है, ये पहले हमारे पास भी हमने घर पे रखे हुए थे। अच्छा। तो ये जैसे जितना आप टाइम देंगे, जितना जो भी चीज हो ना उसका प्यार करें, तो वो आपके साथ टेम्ड हो जाए। बता रहे थे कि इनका कोई एक अरसा होता है उसमें ये टेम हो जाता है, अगर उस अरसे में ये टेम नहीं होते तो फिर ये कभी टेम हो ही नहीं सकते। देखिये जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं ना, माँ तक का बच्चा ना उसको माँ से अलग करें तो वो फिर वाइल्ड हो जाता है। शेरिया शेरनी कोई भी हो जाए उसको स्पेशल मैंने ऐसा टेम करना है कि मैं घर पे रखूँ और मैं ना उसे ऐसे इशारा करूँ वो एक हमको ना करेगा के लिए, तो ऐसा टीम हो सकता है। घर के काम तो नहीं करवाना चाह रहे आप शेरनी से? मुझे आपको यकीन नहीं हो सकता, मुझे इस टाइम ना शेरनी से कम डर लग रहा है, अपनी घरवाली से ज्यादा डर लग रहा है। सिक्योरिटी के लिए शेर पालना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली मारना पड़ेगा। हाँ हाँ ये हो सकता है, हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं आप, है ना? हाँ, एक कप मैं आपको गिफ्ट करूंगा तो आप रख के देखें। एक गिफ्ट मुझे भी, मैंने लास्ट में मांगा था, मुझे गिफ्ट नहीं किया। नहीं मैं कर दूंगा। ये देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, नूली का शेर आया। यार बस बस सिट डाउन बैठ, मुझे बताएं ये ना बिल्ली की तरह होती है, मगर ये बिल्ली की तरह हरकतें क्यों नहीं करती? नहीं वो म्याऊ म्याऊ करके दिखाए क्या चाह रहे? ये इसको ले जाए साथ। नहीं बहुत हैवी है, गाड़ी में बैठ जाती है। वजन कितना है इसका? वजन आप जितना ही होगा। जो लास्ट टाइम जिस शेरनी से मेरा पाला पड़ा था वो 8 माह की थी। सारे बाहर जाएंगे ना लोग, आप अकेली इसके साथ बैठे हैं, इससे कोई दिल की बातें करें। दोबारा अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 3 आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वो वीडियो 1 मिलियन तक गई है तो इसको 5-6 मिलियन तो करवाओ ही सही यार, क्या हो गया, अब तो शेरों से दोस्ती हो गई है। अपने मैंने अपना भी लेके जाना है और पीछे बताना आ तो नहीं रहा। थैंक यू सो मच फैजी सर आपका, क्या आपने अपना और शेरों का टाइम हमें दिया। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। आ गया मुझे कोई बातें नहीं आ रही है, आवाजें नहीं आ रही है, सब कुछ बंद हो चुका हुआ है, तो दुआ कीजिएगा कि मैं थोड़ा सा इसके साथ खेल के घर खरीद से पहुंच जाऊं। Oh